भरतपुर के ब्यारा में राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, लेकिन किसानों ने खरीद करने वाले लोगों पर तुलाई में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जी हां, किसानों का इस पर कहना है कि गेहूं में 400 ग्राम, सरसों में 500 ग्राम और चना में 300 ग्राम अधिक तोल लिया जा रहा है। इससे आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के खिलाफ परिसर में ही इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्हें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का भी साथ मिला है। जो बिक्री केंद्र है वह बहुत धांधली चल रही है। हम लोग यहाँ आए, हमने स्थिति देखी, 50 किलो की जो भर्ती है सरसों की, उसमें 51 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम इस तरह से ले रहे हैं, और वही चना की स्थिति है, 50 किलो की भर्ती 50 किलो 500 ग्राम की, और उसमें 51 किलो 300 ग्राम यानी 300 ग्राम एक्स्ट्रा ज़्यादा उसमें ले रहे हैं। वही स्थिति गेहूं की हमको पाई गई है। तो ये कितनी बुरी बात है कि एक किसान पर एक बोरी में सरसों में 850 ग्राम सरसों को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 6 रुपए की वो है, और जो तुलाई की जो मजदूरी है, जो पल्लेदारों की जो तुलाई की मजदूरी लगती है, वो राज्य सरकार द्वारा या यहाँ के प्रशासन के द्वारा 6 रुपये प्रति कट्टा रख रखा है, और ये पल्लेदार 10 रुपये प्रति कट्टा तुलाई का ले रहे हैं किसान से। राजफेड के द्वारा जितना भी मापदंड और किसपच मंडी के द्वारा जो मजदूरी की दरें वो निर्धारित कर रखी हैं, और उसी को इनको मान करके बता रखा है कि भाई इतना वजन सरसों का लेना है, इतना चना का, इतना गेहूं का, और प्रत्येक किसान से इतने रुपए तुलाई के हिसाब से जो निर्धारित है मजदूरी, बयाना क्रय विक्रय मतलब बयाना किसपच मंडी की, वो ही मान लो।